खबर रीवा से, जहां पोस्टमार्टम में देरी होने पर मृतक के परिजनों ने अस्पताल चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया और संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन पर समय पर इलाज न करने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं परिजनों की मांग है कि अपराधियों के घर मामा का बुलडोजर चलाया जाए। बता दें, देर रात दो सगे भाइयों पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया था, जिसे मुकेश यादव की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और दूसरा भाई अरुणेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। रीवा की ये पूरी खबर, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक शख्स की मौत हो जाती है और एक शख्स गंभीर रूप से घायल है, जिनके खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ परिवार कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। यहां तक कि मामा का बुलडोजर उन आरोपियों के घर पे चलाया जाए, ये कुछ मांग है परिवारजनों की। अब हमको झूठ बोल के आज अब 11 बजे से बहला रहे हैं, बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम हो रहा, अभी तक का हमको कागज नहीं मिला पोस्टमार्टम में, वहाँ तक कोई पहुँचा नहीं। सोच लीजिए, फांसी चाहिए, सीधे हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, बुलडोजर कहाँ गया, बुलडोजर चलना चाहिए इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए ना अपराधी को। परिजनों ने यहाँ लाकर के बॉडी हॉस्पिटल चौराहे पर रख दिया गया था, वो पीएम में हुई देरी को लेकर के नाराज थे, तो अभी बॉडी को वापस हॉस्पिटल भिजवा दिया गया और पीएम की तैयारी की जा रही है वहाँ पर।